हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को स्टडी कर रहे हैं। अब तक हमने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के कई सारे वीडियोस देखे हैं, जिनमें हमने एन्युइटी मेथड और सिंकिंग फंड मेथड में हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसके बेसिक वीडियोस भी हमने देख लिए हैं। अगर आप उन सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे वीडियोस की लिंक दी हुई है। आप वहां जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंकिंग फंड मेथड से आज हम थर्ड प्रॉब्लम लेकर आए हैं, जिसमें हम फिर से एक नई एडजस्टमेंट के साथ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है सिंकिंग फंड मेथड का प्रॉब्लम। सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को केयरफुली रीड कर लेंगे। ऑन 1st जनवरी 2015, द राठी कंपनी लिमिटेड बॉट अ प्लांट फॉर ₹110,000, हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ प्लांट विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹10,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। द कंपनी डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट बाय इंस्टीट्यूटिंग अ डेप्रिसिएशन फंड। It is expected that the investment will earn interest at 10% per annum. The sinking fund table shows that ₹0.21547 invested each year will produce ₹1 at the end of 4 year at 10% per annum. On 31st December 2018, the balance at bank was ₹50,000. And the investments were sold for ₹70,000. A new plant was purchased for ₹125,000. The scrap value of old plant is realized ₹12,000. Show depreciation fund account, depreciation fund investment account, leasehold property account. Friends, मैं हमेशा कहती आती हूँ कि किसी भी अकाउंटिंग का प्रॉब्लम अगर हम केयरफुली रीड कर लें तो हमारा आधा काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो है वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है और वहीं से हमें डिज़ाइन करना होता है कि हमें किस तरह से हमारी सॉल्यूशन को देना है। तो चलिए, हमारी प्रॉब्लम को हमने केयरफुली रीड कर दिया है, अब उसे हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है कि 1st जनवरी 2015 को प्लांट बॉट किया था 110,000 को, जिसकी लाइफ है 4 years की, यानी कि 4 years के लिए प्लांट बॉट कर दिया गया था 110,000 को। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसकी जो वैल्यू होगी, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, यानी कि 4 साल बाद इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो 10,000 की होगी। कंपनी ने जो है वो डिसाइड कर दिया है कि वो रिप्लेसमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन फंड के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि सिंकिंग फंड मेथड का यूज यहाँ पर किया जाएगा। और एक्सपेक्टेड ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्न करेगी 10% इंटरेस्ट को। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट बनेगी सिंकिंग फंड में, तो उसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट भी देना है। साथ ही साथ सिंकिंग फंड टेबल की वैल्यू हमें दी गई है कि अगर हम 0.21547 इन्वेस्ट करेंगे हर साल, तो 4 साल के बाद 10% पर एनम से हमें एक रुपया प्रोड्यूस होगा। यानी कि अगर हम 1 रुपया प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 0.21547 रुपये हमको एनुअल कंट्रीब्यूशन रखना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। 31st December 2018 को बैंक में जो बैलेंस था वो 50,000 था और इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड की गई थी वो सोल्ड की गई थी 70,000 रुपीज़ को। एक नया प्लांट भी परचेस किया है 1,25,000 को नेक्स्ट ईयर में। साथ ही साथ स्क्रैप वैल्यू भी बताई गई है ओल्ड प्लांट की, रियलाइज हुई है वो 12,000 में। अब ऊपर हमें बताया गया था कि स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड है कि 10,000 होगी, लेकिन जब सेलिंग किया गया तो 12,000 में स्क्रैप हमें मिल गया है, यानी कि 12,000 रुपीज़ हमें स्क्रैप पर मिले हैं। तो ये है हमारी हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हमारा एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा। जैसे कि हमें यहाँ पर टेबल वैल्यू दी है 0.21547 हर ईयर के लिए, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर देंगे कैलकुलेशन ऑफ एनुअल प्रोविजन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसे कि हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ द प्लांट हमारा है 1,10,000 का, उसमें से हम एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो लेस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000।
तो जो हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है रिप्लेसमेंट के लिए वो लगेगी 1 लाख रुपीज की। तो 1 लाख रुपीज के लिए हमें अब एनुअल प्रोविजन का कैलकुलेशन करना है। अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम उसका इक्वेशन बनाते हैं। इफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट इज रुपी 1, देन एनुअल प्रोविजन शुड बी रुपीज 0.21547। लेकिन जब अमाउंट है रिप्लेसमेंट की 1 लाख रुपीज, तो एनुअल प्रोविजन कितना रहेगा? तो सिंकिंग फंड मेथड में हमें भी पता है कि जो सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू होती है उसके साथ हम हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इस तरह से इक्वेशन लगाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 0.21547 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 21,547 रुपीज़ हमारा एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। सो हमारा एनुअल प्रोविजन जो है वो है 21,547 रुपीज़। अब ये जो एनुअल प्रोविजन है वो हमें हर साल निकालना है। अब 4 साल हमारी लाइफ दी गई है हमें, तो 4 साल के अकाउंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एनुअल प्रोविजन। अब इसके बाद हम एक एक अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। अब यहाँ पर फॉर्मेट दिख रहा है आपको, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन फंड में हमारा जो एनुअल प्रोविजन होता है उस एनुअल प्रोविजन को रख देते हैं। सो एनुअल प्रोविजन होगा हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर। सो 31 दिसंबर 2015 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,547 रुपीज़। अब ये इतना ही प्रोविजन है, इस साल में हमने पहले ही प्रोविजन किया है, तो हमारा बैलेंस भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। सो डेबिट साइड में हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 31 दिसंबर 2015 को 21,547, एंड सेम अमाउंट से हम 2015 का अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। अब जो लास्ट ईयर में बैलेंस कैरी डाउन था वो नेक्स्ट ईयर में हम फॉरवर्ड कर लेते हैं, ब्रॉड डाउन दिखा देते हैं। तो क्रेडिट साइड में 1 जनवरी 2016 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 21,547 रुपीज़। अब लास्ट ईयर में जो हमने प्रोविजन किया था एनुअल प्रोविजन, उसकी हमने इन्वेस्टमेंट भी बनाई थी लास्ट ईयर में ही लास्ट डे पर। तो इस ईयर में उस लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो इंटरेस्ट का रेट है वो 10% है। तो हमने पता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 21,547 की बनी थी, तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ पर दे देंगे 31 दिसंबर 2016 को बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो अमाउंट आती है 10% से 2,154.70। उसी के साथ साथ इस ईयर में हम हमारा एनुअल प्रोविजन जो है वो प्रोविजन भी साइड में रख देंगे। तो 31 दिसंबर 2016 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,547.00 रुपी। अब हमने इस साल में बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया, लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट भी रिसीव्ड हो गया, और इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जो है उसको भी हमने प्रोविजन एनुअल प्रोविजन में रख दिया। अब हम अकाउंट का टोटल कर देंगे और हमारी डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर 2016 को टू बैलेंस कैरी डाउन 42,245,248.70, और सेम अमाउंट से हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो 2016 की सारी एंट्रीज हो गई है और अकाउंट भी क्लोज हो गया है। अब जो लास्ट ईयर में बैलेंस कैरी डाउन था उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं 1 जनवरी 2017 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 45,248.70। अब ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है इसकी इन्वेस्टमेंट की गई थी लास्ट ईयर में, जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो उसकी एंट्री हम पहले कर देते हैं 31 दिसंबर 2017 को क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,524.87 रुपीज़। और 2017 का जो एनुअल प्रोविजन है उसे भी हम दे देंगे 31 दिसंबर 2017 को क्रेडिट साइड में ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू 21,547.37। अब देखिए यहाँ पर भी सारी अकाउंट हमने मेंटेन कर दिए हैं, यहाँ पर भी सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने एनुअल प्रोविजन भी रख दिया है। अब डेबिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, सो 31 दिसंबर 2017 को टू बैलेंस कैरी डाउन 71,320.57। और हमारा जो अकाउंट क्लोज होगा वो अकाउंट भी सेम अमाउंट से क्लोज हो जाएगा
तो इस तरह से हमारा 31 दिसंबर 2017 का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब जो लास्ट ईयर का बैलेंस है, उस लास्ट ईयर के बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर देंगे। 1 जनवरी 2018 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 71,320.57। अब ये जो लास्ट ईयर की अमाउंट है, उस लास्ट ईयर की अमाउंट की इन्वेस्टमेंट बन चुकी है, तो उस इन्वेस्टमेंट पर 10% इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा। तो हमारा इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी क्रेडिट साइड में, 31 दिसंबर 2018 को बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,132.06। अब 057 था तो 7 कन्वर्ट हो जाता है 6 में, सो 06। उसके बाद हमें लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगी, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारी सेल हो जाएगी। अब जो सेल होने वाली है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट सेल हुई है 70,000 को। अब 70,000 में अगर इन्वेस्टमेंट सेल हो रही है, तो हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है वो है 71,320.57 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम सेल कर रहे हैं 70,000 रुपीज़ में। इसका मतलब है कि 1,320.57 रुपीज़ का लॉस हमें हो रहा है, क्योंकि कम अमाउंट में हम हमारी इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं। तो ये लॉस जो है वो लॉस हमें डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना होता है। तो सबसे पहले हम उस लॉस को ट्रांसफ़र कर देते हैं 31 दिसंबर 2018 को डेबिट साइड में टू डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट लॉस ऑन सेल 1,320.57। अब हमारा जो प्लांट अकाउंट है, यानी कि हमें जो ट्रांसफ़र करना है, वो प्लांट अकाउंट हम पहले ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लास्ट ईयर का एनुअल प्रोविजन है उसे हम एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में अप्रोक्सीमेशन का फ़र्क आता है और उस अप्रोक्सीमेशन के फ़र्क को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब जैसे कि हमें पता है 1,320.57 रुपीज़ जो है वो लॉस हो गया है हमारा, और हमें जो अमाउंट चाहिए थी वो 1,00,000 थी, तो 1,00,000 से हमारी जो टोटल है वो टोटल हम कर देंगे अकाउंट की, और जो प्लांट है वो प्लांट 1,320.57 से कम हो जाएगा, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 98,679.49। दोस्तों ध्यान रखिए, हमें 1,00,000 रुपीज़ जो है प्लांट के वो ट्रांसफ़र करने थे, उसकी प्रोविज़न हम कर रहे हैं, उसके रिप्लेसमेंट के लिए हम ये मेथड ले रहे हैं। लेकिन अब ये जो 1,00,000 रुपीज़ हमें ट्रांसफ़र करने थे, उसमें से 1,320.57 का लॉस हमें हो गया है, तो उतना लॉस कटाकर हमें जो अमाउंट बचेगी उसी अमाउंट का प्रोविज़न करना होगा। तो अमाउंट हमारे पास आएगी 98,679.49। तो इतनी अमाउंट हमारी प्लांट अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी और हमारा जो अकाउंट है वो 1,00,000 से क्लोज हो जाएगा, और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हम एडजस्ट कर देंगे हमारी एनुअल प्रोविजन के साथ। सो 31 दिसंबर 2018 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 21,547.37 से हमारा ये जो अमाउंट है वो अमाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि हमारी अकाउंट जो है वो अकाउंट क्लोज हो जाती है और डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट भी हमारे यहाँ पर बनकर रेडी है। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे जो है डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगेन लेजर अकाउंट है, आप फॉर्मेट देख सकते हैं, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम हर साल जो इन्वेस्टमेंट बनती है उसकी एंट्री करते हैं। अब 2015 में एट द एंड ऑफ द ईयर हमने इन्वेस्टमेंट बनाई थी, तो उसी से शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 2015 को डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 21,547। पहली इन्वेस्टमेंट जो थी वो 21,547 की थी। तो ये इन्वेस्टमेंट बन गई है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दूसरी कोई एंट्री नहीं आएगी। तो क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन कर देते हैं 31 दिसंबर 2015 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 21,547 और टोटल कर देते हैं और अकाउंट क्लोज कर देते हैं। लास्ट ईयर का जो कैरिड डाउन बैलेंस है उसे नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर देते हैं 1 जनवरी 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,547 रुपीज़। अब ये लास्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया है, अब इस ईयर में हमारी जो इन्वेस्टमेंट बनेगी उस इन्वेस्टमेंट की एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। सो 31 दिसंबर 2016, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, सो एंड ऑफ द ईयर की डेट हमने यहाँ पर डाली है। डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, अब इन्वेस्टमेंट जो बनेगी वो है एनुअल
जो प्रोविजन है हमारा उसकी अमाउंट प्लस लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिला था हमारा उस इंटरेस्ट की अमाउंट को भी हमें इसमें ऐड करना है, यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें उसे हमें री इन्वेस्ट कर देना है। सो अमाउंट आएगी हमारी 23,701.70। और इसी के साथ हमारा जो 2016 का अकाउंट है वो अकाउंट भी क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड में हमारे बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 2016 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45,248.70। और सेम अमाउंट से हमारा 2016 का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। लास्ट ईयर का कैरिड डाउन बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो 1 जनवरी 2017 को डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 45,248.70। अब इस साल में भी हमारी एक नई इन्वेस्टमेंट बनेगी। अब नई इन्वेस्टमेंट जो बनेगी वो लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट प्लस लास्ट ईयर का प्रोविजन, यानी कि लास्ट ईयर का जो बैलेंस था उस बैलेंस के साथ बनेगी, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिला था वो इस इंटरेस्ट अमाउंट को भी हमें उसमें ऐड कर देना है। तो 21,547 तो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन था ही, लेकिन जो इंटरेस्ट हमें मिला है वो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को हमें इसमें ऐड कर देना है। तो दोनों की अमाउंट मिलकर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 31 दिसंबर 2017 को डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट न्यू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 26,071.87। और क्रेडिट साइड में हमारी बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा और हमारा अकाउंट हम क्लोज कर देंगे 71,320.57 से। अब हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है वो बैलेंस हमें अगले साल में लाना है, यानी कि लास्ट ईयर में अब हम डील कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा लीज ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर हमें एक देखना है कि यहाँ पर अब 2018 में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगी, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट अब तक हमने बनाई है उस इन्वेस्टमेंट को हमें सोल्व करना है। सो 1 जनवरी 2018 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 71,320.57। अब लास्ट ईयर है और हमें जैसे कि प्रॉब्लम में बताया गया है 31 दिसंबर 2017 को प्लांट सोल्ड किया गया है और उसकी अमाउंट है 70,000 रुपीज़। तो सेलिंग की एंट्री हम यहाँ पर दे देते हैं हमारी क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2017 को बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपीज़। अब देखिए दोस्तों, डेबिट साइड में हमारे पास इन्वेस्टमेंट का बैलेंस हमें दिख रहा है 71,320.57 और क्रेडिट साइड में सेल की अमाउंट हमें दिख रही है 70,000। इसका मतलब है कि हमारी बुक वैल्यू से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम वैल्यू में हमने सेल की है, यानी कि हमें हमारी सेल प्रोसीड्स पर लॉस हुआ है, तो वो लॉस हमें डेप्रिसिएशन फंड को ट्रांसफ़र कर देना होगा। सो 31 दिसंबर 2017 को बाय डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट लॉस ऑन सेल 1,320.57 रुपीज़। और इसी के साथ इसी अमाउंट से हमारा डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाता है। डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट हमने बना दिया है, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हमने बना दिया है। अब हम बनाएंगे प्लांट अकाउंट। अब प्लांट अकाउंट बना रहे हैं हम, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपको दिखेगा। अब 1 जनवरी 2015 को हमने प्लांट एक्वायर किया था तो फर्स्ट एंट्री डेबिट साइड में बनेगी 1 जनवरी 2015 में। तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट परचेस ऑफ प्लांट 1,10,000। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा, हमारा अकाउंट क्लोज करना है हमें। तो अब हमारी अमाउंट आ जाएगी क्रेडिट साइड में कैरिड डाउन की 31 दिसंबर 2015 को 1,10,000 की। ये जो अमाउंट है उसे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1 जनवरी 2016 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,10,000। अगेन 2016 में बैलेंस आ गया, कोई नया प्लांट खरीदा नहीं है या फिर कोई प्लांट बेचा भी नहीं है, तो फिर हमारा बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा यहाँ पर फिर से 1,10,000 का और अकाउंट क्लोज हो जाएगा 2016 का। बैलेंस कैरिड डाउन जो था उसे ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,10,000। और 2017 में भी कुछ नहीं हुआ है तो फिर हम कर देंगे बैलेंस कैरिड डाउन 1,10,000 से और हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा 2017 का। अब हम लास्ट ईयर में आ रहे हैं जहां पर हमारा लीज ख़त्म हो रहा है, तो हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देते हैं सबसे पहले 1 जनवरी 2018 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,10,000 का। उसी के साथ साथ
लास्ट ईयर में, जैसे कि हमें बताया गया है कि जब लास्ट ईयर आएगा तो स्क्रैप अमाउंट जो है वो रियलाइज्ड हुई थी 12,000 से, तो उस 12,000 की अमाउंट को हमें दिखाना पड़ेगा। सो क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2018 को बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट में स्क्रैप सोल्ड किया था और उसके ऊपर पैसे आए थे, तो फिर वो पैसे हमने रिकॉर्ड कर दिए 12,000 का। अब जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन फंड में देखा था अकाउंट में कि डेप्रिसिएशन फंड में जो ट्रांसफ़र था वो 98,679.43 रुपीज़ आया था, क्योंकि लॉस हुआ था हमें हमारी प्लांट को सोल्ड करने में, तो वो अमाउंट भी हमको यहाँ पर लिख देनी है 31 दिसंबर 2018 को क्रेडिट साइड में। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की अमाउंट लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन फंड, जो ट्रांसफ़र की अमाउंट थी 98,679.43, और अमाउंट अब हम टोटल कर देंगे। अब टोटल जो होती है वो टोटल होएगी 110,679.43 रुपीज़ से, और जो बैलेंस बचेगा यहाँ पर हमारे डेबिट साइड में एक बैलेंस आ रहा है, देखो 31 दिसंबर 2018 को, जिसको मैंने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दिया है। अब जैसे कि हमें पता है कि 110,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट थी और उसके ऊपर हमें रिप्लेसमेंट अमाउंट चाहिए थी, लेकिन अब हमारे पास अमाउंट आई है 110,679.43। अब ये जो है 679.43 ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट है, क्योंकि हमारी जो इस्टीमेशन था स्क्रैप वैल्यू का वो 10,000 का था, तो उसके ऊपर 2,000 रुपीज़ ज़्यादा आ गए हैं हमें। अब ये जो 2,000 रुपीज़ ज़्यादा आ गए थे उसमें से हमारा लॉस भी हुआ था, तो उस लॉस को भी माइनस कर देते हैं और ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ है 679.43 रुपीज़ का। तो ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारा प्लांट अकाउंट भी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें प्रॉब्लम में बताया गया था कि न्यू प्लांट परचेस किया गया है 125,000 को, तो चलिए न्यू प्लांट की भी एंट्री कर देते हैं हम। तो न्यू प्लांट 1 जनवरी 2019 को परचेस किया गया था, तो टू बैंक अकाउंट परचेस ऑफ प्लांट 125,000। अब जैसे कि हमें प्लांट के बारे में कुछ पता नहीं है और आगे की इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं दी है, तो हम इतना ही अकाउंट बनाएंगे और यहीं पर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सिंकिंग फंड मेथड का एक एडवांस प्रॉब्लम देख लिया है, जिसमें हमने स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन कैसे होता है ये देख लिया था, जिसमें हमने स्क्रैप वैल्यू इस्टीमेटेड से ज़्यादा अमाउंट में कैसे रियलाइज हो गई है उसको भी देख लिया था, साथ ही साथ हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड की थी उसके ऊपर लॉस आया है तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है ये भी देख लिया था, और नई प्लांट को भी परचेस किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने एक ही प्रॉब्लम में देख ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सिंकिंग फंड मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के सारे ट्रिक्स आपको इस प्रॉब्लम में मिल जाएंगे। इसमें हमने कैलकुलेशन भी कर दिया था एनुअल अमाउंट का, प्रोविजन का, तो काफ़ी सारी एडजस्टमेंट को एक ही प्रॉब्लम में लाने की मैंने कोशिश की है। और इसी के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट को हमने सेल कर दिया, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को रियलाइज कर दिया, और अगेन हमारी एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए अमाउंट हमने बना दी थी। तो दोस्तों, आपको डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के ये सीरीज़ कैसे लगे ज़रूर बताना। अगर आपको और रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। मैंने एन्युइटी मेथड और सिंकिंग फंड मेथड के सभी प्रॉब्लम्स, सभी एडजस्टमेंट्स को कवर कर दिया है मेरी इन सीरीज़ में, और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को कम्प्लीटली आपके सामने रख दिया है। आप इन सारी वीडियोस को स्टडी कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये सारी वीडियोस का फ़ायदा हो सके और उनकी स्टडी अच्छे से हो सके। फ्रेंड्स, हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। सो सी यू सून, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।